मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ए तू सवाल ये ड्रम वाली वाली, हाँ हाँ दीवार में। तो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि आज तो इसने नई ड्रेस डाल दी, तो आज हम कर रहे हैं एक स्पेशल काम, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए बने रहना मेरे ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ मैं। गाइस ये देखो मधुमक्खियाँ, ये डैनी हूँ मुझे चिट्टी दो मोल है। गाइस मैंने थोड़ी देर किया काम, मेरा बहुत मन था करने का साथ में दीदी के साथ, लेकिन फिर ना सानी को भूख लग गई थी तो मैंने ड्रेस चेंज कर ली। अभी आशु गई है दीदी के साथ, तो वो निकाल रहे होने सामने जो हमारी गौशाला है वहाँ पर, और हम यहाँ पर अलग कर रहे हैं जिसमें मखीर है, शहद है, वो वाली अलग करनी है और खाली वाली अलग करनी है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर निशु कर रही है मेरे साथ, और इसमें ना ये देखो मधुमक्खियाँ भी है, तो इनको ना यहाँ पर डाल रहे हैं हम पानी में, ताकि इनसे जो शहद है वो चिपका हुआ ना वो निकल जाए, फिर इनको बाहर निकाल देंगे हम। मधुमक्खियाँ भी है थोड़ी सी, और मक्खियाँ भी उड़ रही हैं, और ये देखो शहद अभी निकाल रहे हैं और भी। गाइस आखिरकार ये क्यों रो रही है? इसको ऐसा क्या हो गया कि ये रोने लगी? इस बात को जानने के लिए ब्लॉग को पूरा जरूर देखें। बताएंगे जरा आप क्यों रो रहे हैं आप? गाइस इसको मधुमक्खी ने काट लिया और इसके पेट में जाके काटा, और ये बहुत रो रही है। गाइस ये गई थी ना नीचे, जो खाली खाली काशी थी उनको फेंकने के लिए गई थी, लेकिन ना इसका एक मधुमक्खी ने पीछा कर लिया और इसको पेट में काट लिया, और उसके ना दांत भी चुभ गए थे, तो इसको थोड़ी सी दर्द हो रही हुई बेचारी को। एक बार ये ना हंसी थी तो उसका अभी इसको पता लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर होती है दर्द, फिर सोजिश आ जानी, फिर वो हो जानी ठीक। तब से ये ऐसे बोल रही थी ना बेचारे को, ऐसे मत करो मत करो, क्योंकि ये ना बहुत इसको बहुत होती है और उनकी दर्द करती है, लेकिन बेचारे को छुप के रो रही है यहाँ पर। कोई बात नहीं हो जाएगी ठीक, क्योंकि एक बार गाइस मेरे को काटा था यहाँ पर सोचो, और मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था 3 दिन तक। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगी तो ठीक ठीक है। दोस्तों हमने मधुमक्खी भी निकाल दिया और उसका ना शहद भी निकाल दिया निचोड़ में चाड़ के, वो भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाती हूँ, क्योंकि ना एक जो मधुमक्खी का डिब्बा था ना वो खराब हो गया, तो नया लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी है, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना काट ले कहीं, आपको दिखाती हूँ कितनी है।
तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर बैठ के भी आराम से इनको छेड़ के नहीं चलते हैं बाहर ना, इनकी ना अच्छे से साफ सफाई करना पड़ती है तब बैठते हैं, अगर ऐसे गंदगी रखे तो ये चले जाते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर। अभी मैं यहाँ पर क्या लेने आई थी, हाँ मैं यहाँ पर ढक्कन लेने के लिए आई थी, इससे बंद कर देंगे हम, मैं आपको दिखाती हूँ कितना शहद निकला। तो हमारा शहद भी निकल गया है और ये वाला डेग निकाला हमने आधा, अभी एक दो रह गई थी करने के लिए लेकिन हमने देखी नहीं, डैडी जी बोल रहे थे कि हैं रह गई लेकिन अब नहीं निकालेंगे, उनको रहने देंगे, लेकिन उनका शहद ना मधुमक्खियाँ खा लेंगी तो कोई बात नहीं। अभी इसको ढक्कन दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा दिया क्योंकि ना फिर शहद अगर यहाँ पर रहेगा ना तो मधुमक्खियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो अभी मैंने इसको ढक्कन लगा दिया, साफ भी कर दिया पानी से, भी चलते हैं बाहर। गाइस शाम के 4:30 हो गए, धूप भी जाने वाली है, अभी चल पड़े हैं हम जंगल की साइड लकड़ियाँ लाने के लिए। ये देखिए दोस्तों सुबह हमने यहाँ पर ना ये खाली खाली फेंके थे, इसमें मधुमक्खियाँ बैठी हुई है, ऐसी आ जाती हैं, इनको ना दूर फेंकना पड़ता है, नहीं तो अगर घर के नज़दीक फेंके तो फिर मधुमक्खियाँ आ जाती है। और अभी हम फ्री थे तो मैंने सोचा कि लकड़ियाँ लेके आ जाते हैं थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद हम घर आके जो मधुमक्खियों के डिब्बे खोले थे ना उनको भी गोबर से लिपाई करनी, उनको बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर साफ सफाई रखना पड़ती है। और एक डिब्बा लगाने को है, वो मैं चाचू को बोलूँगी लगाने के लिए, अगर वो लगा देंगे तो वो खुला ही है अभी। तो अभी मैं निशु और आशु जा रहे हैं और संतोषी को रखा है सानवी के पास, वो सानवी को देखेगी, सानवी भी सो गई है। अभी चलते हैं फटाफट से, लकड़ियाँ लेके आएंगे, यहीं से लेके आएंगे, नज़दीक ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको भी करवाते हैं जंगल की सैर। कीड़े मिले था माहिष्मती जैसे भगना, पता नहीं गाइस ये हमारे खेत है सामने और यहाँ पर आए हम लकड़ियाँ लाने के लिए, मतलब यहाँ पर ना जय माँ पेड़ गिर गया था, यहाँ पर गाइस पेड़ गिर गया था ना, यहाँ से लेंगे हम लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ यहाँ पर। अभी हम फटाफट से लकड़ियाँ निकालते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको भी। और यहाँ पर है ये कौन क्या बोलते हैं जो इस नहीं भद्रहड़े नहीं ये वाला पेड़ है गुटपत राजा जी क्या बोलते हाँ गाइस ये तेज पत्ते का पेड़ है। यहाँ से अगर किसी को चाय पत चाय बनाने के लिए चाहिए होंगे तो बता देना। और गाइस आपको देखिए बहुत ही मजेदार है, मत पीना क्योंकि नहीं गर्म होते हैं गाइस, ये ठंड के टाइम पर होती है छीस की चाय, आजकल तो बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो अभी फटाफट से हम लकड़ियाँ निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखो इनकी बंदरबाड़ी हो रही है, अभी गिरेंगी है थोड़ी देर में तब लगेगा इनको पता। बचपन की याद आ जाती है गाइस, ऐसे हम बहुत ज्यादा झूला खेलते थे ऐसे पेड़ों में। निकाल दी हमने और अभी चल पड़े हम घर के लिए, और काफ़ी देर हो गई हमें लकड़ियाँ निकालते निकालते, अभी फटाफट से चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी सानवी की ना रोने की आवाज़ सुनाई दी, शायद वो उठ गए होने। तो अभी मैं फटाफट से पाकती हूँ, यार गिर गई थी, आजकल पत्ते पत्ते गिर गए नीचे, पैर फिसल जाता है। अभी चलते हैं फटाफट से, गाइस में घर जाके मिलती हूँ आपको।
और आगे निशु और आशु चल रहे हैं और मैं चल रही हूँ पीछे। चलिए दोस्तों चलते हैं, घर जाके मिलते हैं आपको। शाम के बज रहे हैं 7:30, लकड़ियाँ लेकर तो हम पहुंच गए थे टाइम से, और उसके बाद हम चाचोरों के घर में चले गए थे क्योंकि सांझी को यहाँ वहाँ पर ले गए थे, संतोषी ले गई थी उसको वहाँ पर, और हमने फिर लकड़ियाँ वगैरह लाने के बाद हम भी चले गए थे थोड़ी देर वहाँ पर ही। तो वहाँ पर थोड़ी देर बातें वगैरह की, उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं यहाँ पर। अभी करेंगे हम शाम के खाने पीने की तैयारी, और यहाँ पर मैंने ना मक्के भी कर दिए फोल्ड, क्योंकि अभी बकरियों के आने का टाइम हो जाते हैं और फिर आके ना वो सीधे मक्की खाने लग जाती है, क्योंकि उनको ना रोज़ जहाँ पर दिखती है और उनका आदत पड़ गई है मक्की खाने की। तो मैंने मक्की वगैरह फोल्ड कर दिया और अभी निशु वगैरह अंदर टीवी देख रहे हैं, अभी करेंगे हम खाने पीने की तैयारी। तो गाइस आज के ब्लॉग को करती हूं यहीं पर एंड, आई होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देने, बेल का आइकन को ज़रूर से दबा देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।